क्या आप लोग बीआर में कभी भी ग्रैंड मास्टर नहीं गए? क्या तुम लोग भी मेरी तरह ग्रैंड मास्टर पुश करोगे न्यू सीजन में? तो आप लोगों का आंसर अगर यस है तो गाइस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और अगर आप लोगों के पास अच्छा स्क्वाड नहीं है, आप लोग बस सोलो में रैंक पुश करते हो, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो लोग सोलो में ग्रैंड मास्टर पुश करते हैं और रीजन में जाके बैठते हैं वो लोग कौन सा टिप्स एंड ट्रिक यूज करते हैं। तो वो सारे टिप्स एंड ट्रिक आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और गाइस एक एक टिप्स एंड ट्रिक दिखाऊंगा कैसे करना होता है। और एक अनाउंस है गाइस, 1 तारीख से तो बिहार का न्यू सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए 2 तारीख से एक ब्रांड न्यू सीरीज लाने वाला हूँ जिसका नाम है प्लेइंग फॉर ग्रैंड मास्टर। तो इस सीरीज में आप लोग देख पाओगे मैं 1 हफ्ते के अंदर ग्रैंड मास्टर पुश करूंगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी कर लो और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लो ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बात करते हैं जो लोग सोलो रैंक पुश करके रीजन में जाके बैठते हैं वो लोग कैसे रैंक पुश करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं एकदम सेम टू सेम उनकी तरह खेलूंगा जो लोग रीजन में सोलो रैंक पुश करके जाते हैं, सेम टू सेम गेम प्ले करूंगा। आप लोग अच्छे से देख लेना वीडियो को और गाइस एकदम अच्छे से सीख लेना। ओके, सबसे पहले बात करते हैं लैंडिंग की। देखो सोलो में जो लोग ग्रैंड मास्टर पुश करते हैं वो लोग सबसे पहले लैंडिंग करते हैं एक खतरनाक प्लेस में जहां पर बहुत सारे बंदे हो और ज्यादा से ज्यादा लूट हो। जैसे कि मैं लैंडिंग कर रहा हूं मील पर, इधर मेरे को अच्छा खासा लूट मिल जाएगा और गाइस इधर ना बहुत सारे किल भी मिलेंगे। सोलो में अगर आप लोग रैंक पुश करते हो तो गाइस आप लोगों को पहले टाइम मरने के बाद फिर से चांस मिलता है रिवाइव होने का। तो ये एडवांटेज ना ग्रैंड मास्टर के बंदे सबसे ज्यादा उठाते हैं। तो मैं भी गाइस इधर ही उतर गया और उतरने के बाद मेरे पास एक गन आया, लेकिन गाइस सामने वाला एक बंदा मेरे को क्या खतरनाक डैमेज दिया और गाइस बंदे ने एक ग्लोअल मार दिया। मेरे पास सोनिया कैरेक्टर होते हुए भी मैं उसको नहीं मार पाया तो मैं मर गया। तो अभी आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मेरे को पता है गाइस आप लोगों को भी सेम टू सेम ऐसी तरह बंदे मार देते हैं। तो उसके बाद आप लोगों को कहां पर लैंडिंग करना है सेकंड बार रिवाइव होके। देखो ग्रैंड मास्टर के बंदे लोग ना जब मर के फिर से रिवाइव होते तो वो लोग ना एकदम साइड में उतरते हैं। कभी भी वो लोग बंदे के सामने या तो एकदम खतरनाक जगह पर लैंडिंग नहीं करते, वो लोग एकदम साइड में चले जाते हैं। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखो मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। उसके बाद साइड में जाके ओपी तरीके से लूट वूट करते हैं जब तक ना सोन आ जाए। तो सेम टू सेम तरीके से गाइस मैं इधर से थोड़ा बहुत गन लेके एकदम ओपी तरीके से चला गया कैप टाउन एकदम साइड में, और कैप टाउन में ना ज्यादातर बंदे लोग नहीं उतरते। तो आप लोगों को भी सेम टू सेम उधर ही चले जाना है एकदम साइड वाइड में। और मैंने कैप टाउन जाने का क्यों सोचा, क्योंकि देखो कैप टाउन में ना बहुत सारे घर है, तो आप लोगों को ना एकदम ओपी तरीके से कवर भी मिल जाएगा, छुपने का जगह भी मिल जाएगा। तो इधर जाने के बाद मैं ओपी तरीके से लूट वूट कर लिया, जो जो मेरे को चाहिए था सब कुछ इधर मेरे को मिल गया और इधर एक भी बंदा नहीं था। तो आराम से मैंने लूट वूट किया और जब जोन आया तब जाके मैं एकदम जोन के साथ साथ चलने लगा। तो ऐसे करके ना बंदे लोग सोलो खेल के ग्रैंड मास्टर पुश करते हैं। वो लोग ना एकदम पहले टाइम कभी भी किल के चक्कर में नहीं जाते, वो लोग एकदम साइड वाइड पे जाके पहले अच्छे से लूट वूट करते हैं, हर एक फाइट को इग्नोर करते हैं। तो इससे ये होता है गाइस मैप में आधे बंदे खत्म हो जाते हैं। तो उस टाइम अगर कोई बंदे के साथ आप लोगों का फाइट हो भी जाता है और गाइस आप लोग मर भी जाते हो तो आप लोगों को माइनस नहीं लगेगा। इस ट्रिक को ना हर एक सोलो ग्रैंड मास्टर बंदा यूज करता है हर एक मैच में। तो गाइस आप लोगों को भी सेम टू सेम ट्रिक्स यूज करना है। तो उसके बाद मेरे पास गाड़ी था, एक गाड़ी मैंने ले लिया और गाड़ी लेके एकदम ओपी तरीके से जाने लगा। लेकिन थोड़ा जाने के बाद मेरे को याद आया मैंने तो मिशा कैरेक्टर नहीं लिया, तो इसलिए फटाक से मैंने गाड़ी छोड़ दिया और पैदल जाना स्टार्ट कर दिया। तो सेम चीज आप लोगों को भी याद रखना है, आप लोगों के पास अगर मिशा कैरेक्टर ना हो तो कभी भी गाड़ी मत लेना, क्योंकि गाड़ी लेके जाओगे तो बंदे को पता चल जाएगा आप लोग आ रहे हो, तो इजीली बंदा मारेगा आपके ऊपर डैमेज लगेगा आप मरोगे। तो इसलिए पैदल ही जाओ अगर आप लोग मिशा कैरेक्टर ना लेके खेल रहे हो। तो उसके बाद मेरे को इधर एक टोकन मिल गया और गाइस मैंने उधर से जाके ना वेंडर मशीन से एक चिप खरीद लिया और मेरा जो M14 है ना उसको 2 लेवल कर लिया। और एक इंपॉर्टेंट चीज गाइस ध्यान से सुनो, जो लोग सोलो में रैंक पुश करके ग्रैंड मास्टर के रीजन में जाते हैं वो लोग ना एकदम थोड़ा थोड़ा करके लूट करते हैं। उन लोगों को अगर अच्छे से लूट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वो लोग थोड़ा थोड़ा करके एकदम अच्छे से जब तक ना लूट हो जाए तब तक लूट करते। जब एक बार उनका अच्छे से लूट वूट हो जाता है, तब जाके वो लोग बंदे को मारने के लिए जाते, नहीं तो वो लोग हर एक फाइट को इग्नोर करते। तो गाइस इधर मेरा भी लूट एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गया। तो अभी मेरे को क्या करना है, एकदम जोन के साइड से अभी जोन के एकदम किनारे में जाके जोन के अंदर बैठना है। जोन के अंदर जाके एकदम मिडिल में नहीं जाऊंगा, जोन के एकदम किनारे पे रहूंगा। तो ये चीज ना मैंने सीखा है ग्रैंड मास्टर के बंदे से। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ना एकदम साइड में बैठते, तो उससे उन लोगों का 2 फायदा होता है, एक तो बंदे से बच जाते हैं और दूसरा फायदा ये होता है वो लोग ना बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी करते और बहुत ज्यादा किल निकाल लेते, तो उससे इन लोगों का किल का जो टेंशन रहता है ना वो चला जाता है, आराम से उनका 5-6 किल हो जाता है। तो गाइस मुझे भी ना चांस मिल गया देखो थर्ड पार्टी करने का, उधर 2 बंदे के बीच फाइट हो रहा है तो मैं एकदम साइड में था और मेरे को स्कैनर पे दिखाई दिया 2 बंदे, तो मैं इधर ही रुका आराम से देखने लगा बंदे लोग कहां पर है। तो आराम से इधर से स्पॉट करते करते मैंने एक बंदे को देखा, तो मैंने
उसको बहुत सारा डैमेज दिया और वो बंदा कवर में चला गया। तो इसका फायदा उठा के मैं एकदम ओपी तरीके से नीचे से सामने जाने लगा, तो मेरे को और एक बंदा दिखाई दिया, तो उसको मैंने क्या एक खतरनाक डैमेज दिया। आप लोग देख सकते हो 40-40 का डैमेज लगा उसके ऊपर और वो बंदा खत्म। तो उसके बाद थोड़ा सा कवर में जाके मैंने आराम से देखा कि दूसरा बंदा तो नहीं है। तो मैं आराम से देखने के बाद ओपी तरीके से इस घर के अंदर चला गया और जाने के बाद एकदम ओपी तरीके से उस बंदे को लूटने लगा। तो इसको हल्का सा लूटने के बाद एकदम ओपी तरीके से मैं कवर में जाने लगा, जोन के कवर में। तो जाने के टाइम पीछे से एक बंदा मेरे को डैमेज दिया, तो मैंने फटाक से ग्लूअल मारा और ग्लूअल के पीछे रहा, क्योंकि दूर से ना और एक बंदा भी मेरे को फायर कर रहा था, मैंने देख लिया। तो इसलिए मैंने ग्लूअल के कवर नहीं छोड़ा और इधर ही रुक के एक ग्रेनेड हाथ में लेके उस बंदे को ऊपर मारा। और वो बंदा ना खुले में मेरे को वन टैप मारने के लिए कोशिश कर रहा था और दोनों तरफ से डैमेज खाके वो उल्टा सीधा ग्लूअल मार लिया और इसके चक्कर में वो बंदा ना मेरे ग्रेनेड से मर गया। तो इधर गाइस और भी बंदे थे लेकिन मैंने एक बंदे को भी मारने का ट्राई नहीं किया, मैं एकदम साइड साइड से जोन में जाने का सोचा, क्योंकि हर एक ग्रैंड मास्टर बंदा सोलो में जब ग्रैंड मास्टर पुश करता है तब वो लोग ना फर्स्ट प्रायोरिटी जोन को देते हैं, जोन के बाहर वो लोग कभी भी फाइट नहीं करते। क्योंकि गाइस आप लोगों को भी पता है कि जोन के बाहर अगर आप लोग फाइट करोगे तो गाइस बहुत तरीके से आप लोग मरोगे, जोन के डैमेज से मर सकते हो या तो कोई बंदा जोन के अंदर से थर्ड पार्टी कर सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए जोन के बाहर फाइट करना आप लोग इग्नोर करो। इधर से मैं ओपी तरीके से आके ना एकदम जोन के अंदर आ चुका था और गाइस जोन के अंदर आके इस घर के ऊपर चला गया था और इस घर के ऊपर जाके देख रहा था जोन के बाहर से कोई बंदा आ रहा है कि नहीं। तो सेम चीज ग्रैंडमास्टर के बंदे करते हैं, लास्ट के जोन में ना वो लोग पहले पहले जोन के अंदर आ जाते हैं, वो किनारे पे रहते हैं कोई परमानेंट कवर लेके और गाइस देखते रहते हैं कि जोन के बाहर से कोई बंदा आ रहा है कि नहीं। तो सेम चीज आप लोगों को भी करना है, जैसे कि मैं देखो एकदम ओपी तरीके से एक बंदे को स्पॉट कर लिया इधर, मेरे को पता था ये जोन के बाहर से आएगा तो मैंने बहुत सारा डैमेज दिया इसको और लास्ट में ओपी तरीके से उसको डैमेज देकर मार दिया। तो ऐसे करके मेरा किल हो चुका था 3 किल, वो भी एकदम ओपी तरीके से बिना कोई रिस्क लेके। उसके बाद इस बंदे को मैंने हल्के से लूट लिया और लूट के जोन के अंदर साइड में जा रहा था लेकिन मेरे को फुटस्टेप सुनाई दिया एक बंदे का, तो मैंने एकदम साइड से एकदम किनारे पे चला गया क्योंकि मेरे को देखना है कौन से साइड से बंदा आएगा। और उसी टाइम एक बंदे ने मेरे को पीछे से डैमेज दिया, तो मैंने फटाक से ग्लूअल मारा और ग्लूअल मार के इधर ही वेट किया थोड़ा सा, और जब भी वो बंदा मेरे ऊपर रश करने आया मैं थोड़ा सा पीछे जाके उसको क्या ही खतरनाक डैमेज दिया, लेकिन उसके पास सोनिया कैरेक्टर था तो उन्हें फटाक से ग्लूअल मार के इधर से भाग गया, तो वो बंदा ऑटोमेटिकली 3 सेकंड के अंदर मर गया। सोनिया कैरेक्टर के बचने का यही ट्रिक है गाइस, आप लोगों को ना फटाक से ग्लूअल मार देना है जब भी देख रहे हो कि बंदा मर चुका है और सोनिया कैरेक्टर की मदद से फिर से रिवाइव हो रहा है, तो उस टाइम उसके साथ फाइट करने नहीं जाना, आप लोगों को भाग जाना है उधर से, 3 सेकंड के अंदर वो ऑटोमेटिकली मर जाएगा। तो इधर से इसको मारने के बाद आराम से लूट वूट करके एकदम साइड में चला गया और साइड में आके इस पेड़ का कवर ले लिया और लेके आराम से देखने लगा कहां कहां पर बंदे का फाइट हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग सोलो में रैंक पुश करके ग्रैंड मास्टर के रीजन में जाते हैं वो लोग ना लास्ट के जोन में हमेशा स्कैनर का यूज करते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। वो लोग ना ये स्कैनर 3-4 खरीद लेते हैं और लास्ट के जोन में एकदम ओपी तरीके से मारते हैं और देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर बंदे हैं। तो उससे उन लोगों को ये पता चल जाता है कहाँ से सेफ तरीके से थर्ड पार्टी कर पाएंगे। जैसे कि गाइस आप लोग देख रहे हो मेरे को पता चल चुका है उधर बंदा है, तो मैं डायरेक्टली उधर चला गया थर्ड पार्टी करने और इधर आने के बाद ओपी तरीके से बंदे को डैमेज दिया लेकिन बंदे ने ग्लूअल मार दिया, तो मैंने बंदे का ग्लूअल तोड़ने का भी कोशिश किया और लास्ट में इस पेड़ का कवर लेके उस बंदे को ऊपर ग्लूमेंट फेंका ताकि उसका ग्लूअल जल्दी से जल्दी टूटे और मैं उसको आराम से मार पाऊं। उसके बाद और एक फेंका लेकिन बंदा जोन के डैमेज खाके एकदम ओपी तरीके से भागने लगा और मैंने उसका फायदा उठाकर उसको क्या ही खतरनाक डैमेज दिया। जब मैंने उसको 100 के ऊपर डैमेज दे दिया तब मैंने एकदम ओपी तरीके से उसके ऊपर रश कर दिया, वो भी एक ग्लूअल मार के और आराम से छोटा सा स्प्रे किया, बंदा खत्म। उसके बाद इस बंदे को मारने के बाद लास्ट एक बंदा बचा था और वो बंदा दूर से मेरे को डैमेज देने लगा, तो मैंने फटाक से ग्लूअल मारा और जोन भी पीछे से आ रहा था गाइस और मेरा जो हेल्थ है ना वो आधा खत्म हो चुका था। तो मैंने क्या किया, मैंने और एक ग्लूअल मारा और ग्लूअल के कवर में जाके एकदम डिमेट्री ऑन कर दिया और कवर में रहकर अपना हेल्थ फुल किया और देखने लगा बंदा क्या कर रहा है। बंदा मेरा ग्लूअल तोड़ने का कोशिश कर रहा है लेकिन मैंने निहारी कैरेक्टर ले रखा है गाइस, ग्लूअल इतने आसानी से नहीं तोड़ेगा। वो डैमेज दे रहा था ग्लूअल पर लेकिन मेरा हेल्थ पूरा हो रहा है, तो मैंने इसका फायदा उठाकर उसको थोड़ा सा डैमेज दिया और गाइस एक ग्लूअल मार के उसके सामने चला गया और सामने जाके ग्रेनेड जो था उसको मारने लगा और गाइस वो बंदा ग्लूअल का पूरा पैक कर दिया लेकिन उसने अच्छे से पैक नहीं किया था, तो मैंने उसका फायदा उठा के 2 ग्रेनेड उसके ऊपर मार दिया। पहला ग्रेनेड से उसको कुछ नहीं हुआ लेकिन दूसरा ग्रेनेड से ना उसको 100 का डैमेज लगा। तो उसके बाद मैंने एक ग्लूअल मार के उसके ऊपर ओपी तरीके से रश कर दिया लेकिन गाइस मेरा जो MP40 का एमो था ना वो खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने उसको नॉक कर दिया, लेकिन नॉक तो किया इसको पूरा नहीं मार पाया, वो फिर से रिवाइव हो गया। तो मैंने क्या किया, मैं कुछ नहीं किया, मैं एक ग्लूअल मार के ना एकदम पीछे चला गया क्योंकि मेरे को ना अभी उसको लॉन्ग रेंज से ही मारना होगा। तो मैंने थोड़ा सा दूर आके उसको ओपी तरीके से 2-3 डैमेज दिया और बंदा खत्म। तो ऐसे करके मैंने ओपी तरीके से इस बंदे को मार के ओपी सा बुया ले लिया। तो सेम टू सेम तरीके से ना हर एक ग्रैंड मास्टर बंदा ऐसे ही बुया लेता है। तो गाइस इस टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करके अगर आप लोग गेम प्ले करते हो तो आप लोगों का ग्रैंड मास्टर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये वीडियो देख के आप लोग तो अच्छे से गेम प्ले करना सीख जाओगे लेकिन अगर आप लोगों का
कैरेक्टर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होगा तो ये गेम प्ले का कोई फायदा नहीं। तो अच्छा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जानने के लिए आप लोग इस मिडिल वाले वीडियो में क्लिक करो, मैं आप लोगों को उधर ही मिलूंगा।